जया 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 राम जनक सुखद भीमहर सदानरे सदा विषारदहे। मंगल गुज्जरी राग दुई पादरे एक पद एवं प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 14 एवं नियम अनुजाई प्रत्येक पादर एकादश तथा शेष अक्षर परे सुंदर जतिपात हुए जहाँकि कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर लावण्यवती जो कह नायिका प्रधान काव्य एवं काल्पनिक काव्य खूब सुंदर भाव अनेक अलंकार करे सुसज्जित होती लावण्यवती आम यार प्रथम छंद को आलोचना करवा एवं इष्ट देवता आराध्य श्री रामचंद्र को स्मरण करव्य आरंभ कि भाव वंदना करष्ट देवता को कहुई जय 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 राम जनक सुखद भीमहर सदानरे सदा विषारदहे। एवं एही पदरे यथाक्रमे कहा जाइछि रामचंद्र राक्षस मानकर आनंद को काढ़ी नेवा अर्थात छेदन करिबा दान अर्थ ग्रहण करा जाइछि। एवं आहुरी मध्य से शिवधनु को भांगी सीतादेवी को विवाह करिथिले जहाद्वारा कि जनक अत्यंत खुशी प्रकट करिथिले एमंत से महाप्रभु श्री रामचंद्र को मु नमस्कार करूअछि एहा कहा जाइछि। आहुरी मध्य कहुए उपेन्द्र भंजक काव्य कवितार गोटे पदर तीन तीन प्रकार अर्थ भी हो पार यह निश्चित भाव बहु पांडित्य जो कह बहु शास्त्रदर्शितार परिचय किंतु मोटामोटी भाव मुख्य भाव कह गले से आराध्य इष्ट देवता श्रीरामचंद्र को आराधना करकर मंगलाचरण में किंतु एम आहुरी आम परशुराम तथा बलराम संपर्क में कहार पंडित मैंने मत पोषण करती आसतु अन्य एक अर्थ में परशुराम को किभली भाव वंदना करशुराम जे कि निजे सेवा करी किभली भाव महादेव शिव को संतुष्ट करी पारी थिले एवं निजर पिता जमदग्नि आदेश रे निजर माता को हत्या करी जहाद्वारा पिता खुशी होते पुनर्बार पिता बर से से निजर मातृदेवी को जीवन्यास पारिथ पिता अत्यंत खुशी प्रकट करते पिता जो कह जमदग्नि। पुनश्च बलराम को अर्थरे यह कह बलराम भीम को युद्ध हर निश्चित भाव आनंद को काढ़ी नवारे समर्थ होते आहुरी मध्य पदरे से बलराम को प्रार्थना करथिबार कुहा जाय बलराम जे कि बड़ बड़ दुष्ट राक्षस मान को निपात करी लोक मानकर आनंद वर्धक होइथिले एवं आहुरी मध्य कुहा जाय जे बलराम भीमसेनंकर गर्व को खंडन करथिले तांका आनंद को काढ़ी नहींथिले एवं एहाद्वारा से लोक मानकर आनंददायक हो पारे यही बलराम को मध्य मु नमस्कार करूँगी। गोटे पदर तीन तीन प्रकार अर्थ एवं आसतु यार परवर्त पद को आलोचना करवा चंद्रहास शोभाकर समस्त कालर लक्षण बंत अलख्य मुख मनु हर जे। यार मध्य तीन प्रकार अर्थ कहा जाय छी प्रथम रे श्रीरामचंद्र द्वितीय रे परशुराम एवं तृतीय रे बलराम को मध्य ए संपर्क रे कहा जिवो मर्यादावंत पुरुष मर्यादावंत पुरुष रामचंद्र हस्तरे सदा सर्वदा चंद्रहास नामक खड्ग अत्यंत शोभावन दिशुथिला। श्री रामचंद्रंकर मुख सर्वसुलक्षण युक्त जहार उपमा नाही जहार तुलना नाही एमंत सुंदर मुखमंडल ए त्रिभुवन रे नाही निश्चित भाव रे। द्वितीय अर्थ रे कहा जाय छी परशुराम जहां का हाथ रे अर्धचंद्र स्वरूप फारसा थिला किंबा से महादेव को संतुष्ट करी तांकर शिष्यत ग्रहण करथिले आहुरी मध्य महादेव चंद्र को धारण करिसंती तेणु परशुराम चंद्र चिह्न को संतक रूपे धारण करी सदा सर्वदा अति मनोहर देखा जाउथिले।
ध्वज वज्र अंकुश आदि लक्षण मान थिबारु से अत्यंत सुंदर देखा जाउथिले परशुराम। एवं तृतीय रे बलराम को संपर्क रे कुहा जायछि बलराम चंद्रमा सदृश सबुबले हस हस मुख एवं अत्यंत सुंदर भद्र एवं जहा कुहा जाउछि तीन जगत रे अपरूप स्वभावंत बलराम जहाँकर मुखमंडल जगतर अतुलनीय थिला। एही दुई पद को आम निश्चित भाव तीन तीन प्रकार अर्थर तीन देवता को आम निश्चित भाव एठार आलोचना करूछु एवं परवर्ती पद रे मध्य तीन देवता संपर्क आलोचना करा जीव। परवर्ती पद रे कुहा जाइछि कवि भारती की अगोचर छवि जार कवि भारती की अगोचर छवि जार सुमना बृंद वंदित एणु निरंतर हे। छवि अर्थात रूप कवि भारती कविर लेखनी एवं अन्य अर्थरे कहा जाय परिबो शुक्र एवं सरस्वती मध्य अगोचर अर्थात अजणा निरंतर अर्थात सर्वदा सुमना बृंद यह आम देवता मान को बुझाई पारिबा दिव्य स्त्री माने मध्य हो पारिबे। मुनिश्रेष्ठ नारदंक ठारु श्रवण करिथिले महर्षि वाल्मीकि रामचंद्रंकर चरित को सुंदर भाव व्याख्यान करिबा पाई किंतु कल्प कल्प से तपस्या करी रामचंद्रंकर प्रकृत कथा को वर्णना न करी केवल अल्प किछि तांक संपर्क रे जानिछंति जहाँ को से वर्णना करिछंति आमे कहूचे वाल्मीकि। एइभळी भाव रे जुगे जुगे अनेक कवि महात्मा माने जो कहा जाउछि कवि भारती रामचंद्रंकर कहानी को रामचंद्रंकर चरित को वर्णना करिया पई अक्षम होइछंति किंबा वर्णनार साध्य नाही रामचंद्रंकर यह निश्चित भाव रे कहा जाई पारिबो। परशुराम को क्षेत्र में मध्य कहा जाई पारिबो जिए एक बारे पृथ्वी को निक्षेत्री करिथिले क्षत्रिय कुल संहारकर्ता परशुराम जहाँ को देवता माने मध्य पूजा करती आहुरी मध्य जहाँकर गुणावली को कवि माने मध्य शतमुखरे वर्णना करिपारिबे नाही जहाँ वर्णनातीत दस अवतार मध्यरु से एक अवतार होइथिबारु जनगणक मध्यरे से मध्य पूज्य अटंति परशुराम। बलराम को अर्थरे एहा कहा जाई पारिबो गुरु शुक्र एवं विष्णु प्रिया जो कहा जाउछि देवी सरस्वती ए जगतरे अनिंद्या तांकर रूप विभवरे किंतु बलराम तांकठारु आहुरी मध्य तेजियान आहुरी रूपवान रूपरे गुणरे तांकठारु आहुरी ततोधिक। एही सुंदर व्यक्तित्व द्वापरे गोपांगन मानक सहित वृंदावन लीला खेलें मध्य समय को अतिवाहित करथिले। उत्तम मना सुमना जो कहा जाउछि सुमना वंदित एही गोपांगना माने तांकु सर्वदा पूजा ही करुथिले एहा तृतीय पदरे कहा जाइछि। एबे आसंतु एहार चतुर्थ पद को आमे आलोचना करिबा महाशय बोलरीपु परे ताप कर छत्रभंग कृत रुकातर हरिपुर जे। एथिरे मध्य त्रिदेव को यथासाध्य वंदना करा जाइछि। मर्यादावंत पुरुष रामचंद्र जो कहा जाउछि रिपु एवं अत्यंत अनिष्टकारी दैत्य रावण को विनाश करने पर लंकारे प्रवेश कले एवं जो रावण रामचंद्र को सामान्य मनुष्य बोली विवेचना करी तांकु पसंद करू नथिले सेई भली राक्षस को बद्ध करी रामचंद्र निश्चित भाव में तिनीपुर जश को प्रतिष्ठा कले। रामचंद्र सर प्रयोग कर रावण को छत्रभंग करिथिले जेउथिरे केवल रावण विचलित हेला नाही परंतु समग्र लंकापुरी रे नैराश्यर छाय खेलीगला कारण तिनीपुर को जय करी देवलोक नागलोक यक्षलोक किर्णर समस्त को परास्त करी से निजर पदारत कर रखिथिला जहाँ कही केबे परास्त करी पारु नथिले एहा रामचंद्र प्रति प्रजुज्य। द्वितीय रे मध्य परशुराम को संपर्क रे कहा जाई पारिबो परशुराम 21 बार ए समग्र पृथ्वी को निक्षेत्री करिथिले तांकर बल एवं पराक्रम रे समग्र पृथ्वी शशाग्रा धरा कंपमान हेउथिला से दुष्ट क्षत्रिय मान को दमन करिथिले एवं राजा मान को पराभव देथिले अथच परशुराम शत्रु राज्य रे आतंक मध्य सृष्टि करिथिले अर्थात
ବଳରାମ ଯିଏକି ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ଏବଂ ଜରାସନ୍ଧ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଅସୁରକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶାମ୍ବକୁମାରକୁ ବିବାହ ନଦେବାରୁ ଏଥିରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଳରାମ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟକାତର ହୋଇ ବଳରାମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଥଚ ସେ ବଳରାମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସହସ୍ର କର ଉନ୍ନତ ହର ତେଜବାନ ହରିପକ୍ଷ ସଦାନନ୍ଦ ତୋଷ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ହେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇକ୍ଷାକୁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେହି କୂଳକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଏଭଳି ଯଶସ୍ୱୀ ରାଜା ନା କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଗକୁ କରିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଶ ଏଭଳି ଅମଳିନ ଥିଲା ଯେ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସହସ୍ର ଅଂଶୁମାଳି ସହସ୍ର କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିହେବ ପରଶୁରାମ ଯିଏ ସହସ୍ରା ଅର୍ଜୁନକୁ ବଧ କରି ତାହାର ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ କଳାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଶ ଅବତାରର ଅନ୍ୟତମ ଅବତାର ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ ପରଶୁରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଦାନନ୍ଦ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ପରଶୁ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପରଶୁରାମ ଯେଉଁ ଫାର୍ସା ପାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଜଗତର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଜଗତରେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବଳରାମଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ବଳରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜିଆନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଶୋଣିତପୁରର ବାଣାସୁରକୁ ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ କରି ତାକୁ ତେଜହୀନ ଏବଂ ବଳହୀନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶୀ ଅବତାର ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ କାଳତିପାତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ତତ୍ ସହିତ ସେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲେ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରି ନନ୍ଦରାଜା ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପାଞ୍ଚଟି ପଦକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦର ତିନି ତିନି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ତିନି ତିନି ପ୍ରକାର ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ବିଧାନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ସେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କବି ଚାତୁରୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ରୀତିଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଳଙ୍କାରିକ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଏବଂ ଚିରନମସ୍ୟ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।